हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर। गाइस, आज मैं आपको जॉन डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत क्या है इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, सन 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणुओं के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे परमाणुवाद सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के निम्न मुख्य बिंदु है। अब देखिए, जॉन डाल्टन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह सिद्धांत कब दिया? तो यह सिद्धांत दिया गया है 1808 में। और किस पर दिया गया है? तो परमाणुओं के संबंध में दिया गया है। जो परमाणु होते हैं उनके ऊपर यह सिद्धांत है। अब इनके उन्होंने क्या किया, इसके कुछ बिंदु बताए। तो इन बिंदुओं में उन्होंने बताया कि परमाणु कैसा होता है, किससे बना होता है, यह सब उन्होंने उस बिंदुओं में बताया। तो पहला बिंदु देखेंगे हम। तो पहला जो पॉइंट है उसमें बताया उन्होंने कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब जो भी पदार्थ होता है वह किससे बना होता है? एक सूक्ष्म कण, बारीक से बारीक कणों से मिलकर बना होते हैं होता है, उसे ही क्या कहा गया है? परमाणु कहा गया है। जैसे कि परमाणु की भी परिभाषा क्या है, उसी प्रकार से यह यहाँ पर बताया है कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, परमाणु अविभाज्य है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते, मतलब हम उसे बांट नहीं सकते, वह कैसा है? अविभाज्य है। तीसरा पॉइंट बताया उन्होंने कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान, गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व से भिन्न होते हैं। देखिए, जब एक ही तत्व के जब परमाणु होंगे तो उनका आकार और द्रव्यमान और गुण क्या होंगे? समान होंगे, किंतु दूसरे तत्व से जो परमाणु होंगे उनसे क्या होंगे? भिन्न होंगे। तीसरा हो गया पॉइंट। अब चौथा पॉइंट उन्होंने बताया है कि परमाणु आपस में सहयोग करके यौगिक बनाते हैं। देखिए, जब परमाणु साथ में आते हैं तो साथ में आकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। पांचवा पॉइंट है फ्रेंड्स, परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड, जो परमाणु होते हैं उन्हें न ही हम बना सकते हैं और न ही हम उन्हें क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। यह किसने बताया? तो यह जॉन डाल्टन ने बताया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह जॉन डाल्टन के सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु थे। और इस प्रकार से यह आज का टॉपिक जॉन डाल्टन का सिद्धांत है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।